Welcome everyone, how are you? Today we will study chapter 11 of class 8, mensuration, exercise 11.1. So before starting exercise 11.1, we should have some knowledge about the mensuration. What is mensuration? Mensuration is the part of mathematics which includes the calculation of area, volume and perimeter of different type of shapes and the problems related to area, perimeter and volume. So this is the mensuration. Now me pata honi chahiye to what is area? Area hai kya cheez? Humne area ke formulas to pad liye, but area kya hai? Area is the space occupied by a shape. ए पर्टिकुलर शेप, एक शेप है, मान लो ये ट्राइंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, दिस इज स्क्वायर, दिस इज सर्कल. अब हम इन सभी फिगर्स में ये देख रहे हैं कि ईच शेप, हर शेप कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. जैसे ये शेप है, इसके अंदर ये पूरा स्पेस है. इसी तरह से रेक्टेंगल में इसके अंदर ये पूरा स्पेस है, स्क्वायर में ये पूरा स्पेस है, सर्कल के अंदर ये पूरा स्पेस है. तो हर शेप ने कुछ पर्टिकुलर स्पेस ली हुई है उस शेप को दिखाने के लिए. तो दैट पर्टिकुलर स्पेस विच इज़ सराउंडेड बाय अ शेप दैट इज़ नोन एज एरिया. किसी भी शेप के अंदर अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाइड है उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया. सो दिस इज़ एरिया. उसके बाद पैरीमीटर. व्हाट इज़ पैरीमीटर? पैरीमीटर क्या है? पैरीमीटर इज़ the length of the boundary of a particular space. Length of a boundary of a particular space, that means कि अगर कोई भी shape है, उसकी जो भी shape, उसकी boundary की पूरी length को हम क्या कहेंगे, perimeter. So if I want to find the perimeter of this shape, A, B, C, triangle है, इसके इसका हम perimeter निकालना चाहते हैं, तो how can we find, हम क्या करेंगे, A, B की length, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ, इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी, विच इज़ पैरीमीटर. सो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. सिमिलरली इफ दिस इज ए बी सी एंड डी, तो इस रेक्टेंगल का पैरीमीटर भी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. और इसी तरह से इस स्क्वेयर का जो पैरीमीटर है वो भी सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स होगा, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. लेकिन यहाँ पर बाकी तो इसको तो हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ही लिखेंगे. इन दो को हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो पैरीमीटर है हम तो या तो इसको लिखेंगे सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स रेक्टेंगल में, और या फिर पैरीमीटर ऑफ, अगर मैं रेक्टेंगल यहाँ रेक्टेंगल के पैरीमीटर की बात करूँ तो दैट इज़ टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सपोज एल इज़ द लेंथ एंड बी इज़ द ब्रेथ, तो इसका पैरीमीटर लेंथ और ब्रेथ की टर्म्स में क्या होगा, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एल और ये भी एल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बी दिस इज ऑल्सो बी. यहाँ दो बार एल आया और दो बार बी आया, तो हमने क्या किया, टू एल प्लस टू बी. इसको अगर हम खोलें तो क्या होगा, टू एल प्लस टू बी, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. और चाहे हम इन चारों को अलग अलग प्लस करके भी निकाल सकते हैं. सो दिस इज़ द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सिमिलरली वी कैन राइट द पैरीमीटर ऑफ स्क्वेयर. पैरीमीटर ऑफ स्क्वेयर में क्या होता है, इसमें भी चारों साइड्स इक्वल हैं और इनको हमने ऐड करना है. सपोज फर्स्ट साइड इज़ ए, तो ये सारी साइड्स क्या होंगी, ए ए ए एंड ए. तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, फोर टाइम्स अगर हम इनको प्लस करें तो ये कितना आएगा, फोर ए. तो वी कैन राइट सिंपली, हमें प्लस 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 करके रखने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन राइट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इज़ फोर इंटू साइड. फोर इंटू साइड की फोर, और जितनी साइड की लेंथ है, यहाँ पर ए है तो फोर इंटू ए, दैट इज़ फोर ए. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर. नाउ कम टू, और जो ट्राइंगल है उसमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. नाउ कम टू सर्कल. सर्कल में क्या करेंगे कि अगर हम इसका पैरीमीटर निकालना चाहते हैं तो पैरीमीटर क्या होगा, अब इसकी साइड्स तो है नहीं, हम इनको कैसे प्लस करें, तो इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल.
बाकी जो साइड्स वाले फिगर्स है उसमें हमने इसको पेरीमीटर बोला, लेकिन अगर हम सर्कल की बात करें तो पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर, और यू कैन से सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो क्या होगा ये, दैट इज 2πr, अगेन पाई कॉन्स्टेंट टू फॉर्मूले में लगाना है, और r इज रेडियस। तो अगर हमें रेडियस पता है तो वी कैन फाइंड द सर्कमफेरेंस, और यू कैन से पैरीमीटर, या आप ये कह सकते हो टोटल लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल। तो उसका हम सर्कमफेरेंस सर्कल का 2πr फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते। रिकैप्चुलेट फर्स्टली द फॉर्मूलाज ऑफ सम डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, some formulas we have studied earlier in lower classes and some new formulas we will also be learning in this chapter. So first of all we should know that what is rectangle. Rectangle is a quadrilateral, and if is a quadrilateral in which opposite sides are equal and each angle is 90 degree. So if we are having a rectangle and this is having this side A and this side B, this side is length and this side is ब्रेथ, देन वट विल बी इट्स एरिया, एरिया इसका क्या होगा। यहाँ हम अगर एरिया लिख दें तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी ए मल्टीप्लाई बी, बिकॉज एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। नाउ दिस इज, लेट अस सपोज दैट दिस इज अ स्क्वेयर। वॉट इज स्क्वेयर, स्क्वेयर इज हैविंग, स्क्वेयर इज अ क्वाड्रिलेटरल विच इज हैविंग ऑल द फोर साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। सो इफ वन साइड in a square is given, that means this is understood that all the sides are of the same length. So let us say that this side is A, that means all these four sides are A, A and A. अब अगर हम इसकी इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ के अकॉर्डिंग देखें तो भी ये ए मल्टीप्लाई ए बनता है, और अगर हम वैसे ही इसको लर्न करना चाहते हैं तो वी कैन लर्न इट एज एरिया ऑफ द स्क्वेयर इज साइड स्क्वेयर, और यू कैन से साइड मल्टीप्लाई साइड। नाउ वट इज साइड A and A. So, इसका एरिया क्या होगा, A multiply A. Now, come to triangle. Triangle is a polygon, closed polygon, which is having three sides, three vertices and three angles. And height is also given, sometimes height is given, otherwise not given, but height is the part of the triangle which is being used in finding the area of the triangle. Kyunki area of triangle ko find out karne mein height ka bhi use hota hai. So suppose this is base, and the length of the base is suppose b, and this height is denoted by small a. This is the vertex A, B, C. ये vertices हैं, and small a is the height. Let us suppose that A is the small a is the height of the triangle ABC, and B is the base of the triangle. B is the base of the triangle means B is the length of the base. H is the height of the triangle. And if we know these two things, height and base of a triangle, then what is the area of the triangle, that is 1/2 base multiply height. And what is base here, we will write again 1/2 base, base is b and height is a, so 1/2 b multiply a, or you can say a multiply b. Now come to parallelogram. In a parallelogram again the opposite sides are equal. जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। डिफरेंस इज दैट रेक्टेंगल इज हैविंग ईच एंगल 90 डिग्री, बट पैरेललोग्राम में और मे नॉट हैव ईच एंगल 90 डिग्री। इसका ईच एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब इसका ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। सो दिस इज पैरेललोग्राम बिकॉज देयर ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री, एंड इफ हाइट सपोज ए एंड बेस इज बी, देन वॉट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज A, base into height. What is base? B and height A. So base into height, that means B multiply A. This is the formula to find the area of the parallelogram. Now come to circle. Suppose this is the radius of the circle and is this is denoted by B.
स्मॉल बी। एरिया ऑफ सर्कल को निकालने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, दैट इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हमें डायामीटर दिया हुआ है तो हम उसका हाफ करके रेडियस निकाल लेते हैं पहले, फिर हम फार्मूला लगाते हैं एरिया का। बट इफ रेडियस इज गिवन दैट इज़ वेल एंड गुड। तो सपोज इन दिस सर्कल रेडियस इज गिवन बी, देन वॉट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वेयर। दैट मीन्स पाई इज कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 22/7 रखेंगे हम, या फिर कुछ केसेस में कुछ सम्स में दिया होता है कि टेक पाई 3.14 तो हमें वही लेनी होती है, अदरवाइज हम 22/7 लिखते हैं। और आर रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है, बी है, सपोज बी की जगह कुछ भी हो सकता है, मेजरमेंट दी हुई हो सकती है 3, 4, 5 कुछ भी, बट अभी हमारे पास बी है तो हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू बी स्क्वेयर। अब पाई बी स्क्वेयर दैट मीन्स 22/7 हम पाई की जगह लगाएंगे और बी जितना होगा उतना ही लगाएंगे, तो फार्मूला इसका क्या हुआ, पाई आर स्क्वेयर। बी हमने इसलिए लगाया क्योंकि आर की जगह हमें बी दिया हुआ था, आर की जगह अगर आपको 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यू कैन टेक दैट वैल्यू ऑफ द रेडियस। और अगर हमें डायमीटर दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड द रेडियस बाय मल्टीप्लाइंग दिस डायमीटर बाय 1/2।